दोस्तों क्रिकेट देखना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट खेलने में उससे ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे आप तो जो प्रेशर आएगा उसका प्रेशर हमारे नॉर्मल गले क्रिकेट से बहुत ज्यादा होता है। अब उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी से ही आता है क्रिकेट शॉट्स, जो और कोई नहीं कर सकता है, वो खुद हम ही कर सकते हैं या फिर आप ही कर सकते हैं, और इसको कहा जाता है सिग्नेचर शॉट। तो दोस्तों सिग्नेचर शॉट क्यों यूज किया जाता है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और मैं आपको साथ में बताऊंगा कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का कुछ सिग्नेचर शॉट्स। तो जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों क्रिकेट बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और क्रिकेट का जो ये गेम है, गेम धीरे धीरे और भी फास्ट होते हुए जा रहे हैं। अभी क्रिकेट गेम में मैनिपुलेट करना सबसे बड़ी बात हो गया है, क्योंकि बॉलिंग में नकल बॉल, कैरम बॉल, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, गुगली, ये सब नया नया आया है। तो उससे जूझने के लिए आपको भी इनोवेटिव होना पड़ेगा, और इसके लिए आया है सिग्नेचर शॉट। एक्चुअली ये सिग्नेचर शॉट कोई सिखाता है नहीं, अपने आप में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई भी खिलाड़ियों का पैदल चलना, या फिर कोई भी आदमी का जो पैदल चलना होता है, हर एक का अलग स्टाइल होता है, उन लोगों की बात करने में भी अलग स्टाइल होता है, और ऐसे ही होता है क्रिकेटिंग शॉट। क्रिकेटिंग शॉट कुछ ऐसा होता है जिसे कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, जिसे कि कोई कर नहीं सकता है, जिसे कि वो करने में वो बंदा कंफर्टेबल है, अपने कंफर्ट जोन में जाके वो शॉट खेलता है। तो इसी के लिए ये सिग्नेचर शॉट क्रिकेट प्लेयर उद्भावन किया है। तो क्रिकेटिंग ये जो शॉट होता है, इसमें बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी माहिर है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम और उनका सिग्नेचर शॉट। पहले आते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जी का सिग्नेचर शॉट था स्ट्रेट ड्राइव, और उनसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेट ड्राइव माना अभी तक किसी को हमने नहीं देखे है। इसके बाद आते हैं केविन पीटरसन। जी हाँ, इंग्लैंड के गॉड कहा जाता है केविन पीटरसन को, और आपको जानते हुए हैरानी होगी कि जो स्विच हिट है, आप राइट हैंडेड बैट्समैन है, उसे लेफ्ट हैंड में शॉट मारना, ये चालू हुआ है केविन पीटरसन से ही, और वे स्विच हिट की प्रवर्तक है, और स्विच हिट उनसे अच्छा कोई नहीं मार सकता है। बात करते हैं रिकी पॉन्टिंग की। रिकी पॉन्टिंग का पुल शॉट, हायर बाउंसर में जो पुल शॉट मारते हैं, उनका कोई जोर नहीं है, उनका कोई मेल नहीं है। बात करते हैं चौथे नंबर पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट शॉट क्या है, सिग्नेचर शॉट क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। पॉज हो गया, वीडियो हो गया कंप्लीट, लिखना, चीटिंग मत कीजिएगा। चलिए बता देता हूँ, सभी जानते हैं द हेलीकॉप्टर शॉट, जी हाँ, बाय महेंद्र सिंह धोनी। हुक शॉट के लिए फेमस थे सर विवियन रिचर्ड्स। एवी डेविलियर्स को मिस्टर 360 सुपरमैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो शॉट है द लैप शॉट, उनसे अच्छा कोई मार नहीं सकता है, वो एक के बाद एक लैप शॉट मार के बॉल को कहीं भी घुमा सकता है। ऑफ साइड की वाइड बॉल को लेकर लेग साइड यानी ऑन साइड पे छक्का मारना कोई एबीडी से सीखे। राहुल द्रविड़ के थे स्क्वायर कट। आप लोग अगर राहुल द्रविड़ जी का मैच देखे होंगे या फिर खेल देखे होंगे तो आपको पता होगा, श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान, और उनका शॉट था दिल स्कूप, और उनके नाम से ही ये शॉट का नामकरण किया गया है। और हमारे भूतपूर्व कप्तान सौरभ गांगुली जी, उनका जो ऑफ ड्राइव था और फ्रंट फुट में छक्का मारना अभी तक सिग्नेचर बना हुआ है। उनसे अच्छा ऑफ ड्राइव और उनसे अच्छा फ्रंट फुट पे छक्का मारना अब तक कोई नहीं कर सकता है, और देखने में भी बहुत 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 अच्छा लगता है। शायद ही उन्होंने ये छक्का मारना मिस किए होंगे। तो दोस्तों इनमें से सबसे फेवरेट शॉट आपका कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मेरे कमेंट का।